Hello guys, once again welcome back to my YouTube channel on Engineering Frolic. So in the 2024, if you are aspiring to become a front-end developer, so Bootstrap 5 is one of the important thing which you should know. So what is Bootstrap 5? So Bootstrap 5 is nothing but a CSS framework जो आप CSS से दो या तीन लाइन से आप एक चीज अचीव करते हो वो Bootstrap में सिर्फ वन लाइन ऑफ प्रॉपर्टी आप ऐड कर सकते हो और वो अचीव कर सकते हो. सो दिस इज अ सिंपल Bootstrap. सो सम ऑफ द एसेंशियल थिंग विच यू शुड नो एज अ बिगिनर, जो हम आज की वीडियो में एक यूज केस लेके डिस्कस करेंगे. सो आज हम ये फॉर्म बनाएंगे. ये गवर्नमेंट के वेबसाइट पे मुझे एक फॉर्म मिला, इसका लेआउट हम सिर्फ Bootstrap की मदद से हम बनाएंगे. वी विल नॉट यूज CSS एट ऑल. ओके, सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो. सो सबसे पहले हम लेआउट डिसाइड करेंगे. तो सबसे पहले हमें एक कंटेनर लेना पड़ेगा. ओके, उसके अंदर टॉप में मुझे ये टाइटल दिख रहा है, तो उसको हम पहले अचीव करेंगे. सो बिफोर गोइंग टू डैट, Bootstrap को अपने वेबसाइट में ऐड करने के लिए आपको सिंपली गूगल पे Bootstrap 5 के इस वेबसाइट पे ऊपर जाने का है, और यहाँ पे आपको नीचे गेटिंग स्टार्टेड में ये CSS का लिंक मिलेगा. यहाँ पे भी लिखा है कॉपी पेस्ट द स्टाइल शीट लिंक इन योर हेड बिफोर ऑल अदर स्टाइल शीट टू लोड आवर CSS. ओके, मतलब ये क्या बोलना चाहता है, सिंपली ये आपका बेसिक HTML का टेम्पलेट होता है, राइट. तो यहाँ पे ये हेड के बीच में या मतलब हेड टैग के बीच में जितने भी आपके Bootstrap के CSS हो गए वो आपको ऐड करने के, एंड यहाँ पे मैंने यहाँ पे सक्सेसफुली यहाँ पे ऐड कर लिया है. और उसी के साथ ही साथ आपको ये जावास्क्रिप्ट का बंडल मिलता है. तो अगर आप पॉपअप मॉडल या फिर कुछ भी ऐड करना चाहते हो आप अपने फॉर्म में, तो ये आपके लिए फायदे में रहेगा. ओके, तो उसको आप बॉडी के एकदम ऊपर, ये बॉडी टैग जहाँ पे ख़त्म होता है उसके एकदम ऊपर यहाँ पे आपको कॉपी पेस्ट करने का. ओके, सो वी विल बिगिन विद द एक्चुअल टेम्पलेट नाउ. यहाँ पे सबसे पहले हम ये टाइटल को लेके आएंगे, और टाइटल को सेंटर में हमें लेके आने का. ओके, तो उसके लिए सबसे पहले हम कंटेनर लेंगे. तो यहाँ पे सेक्शन टैग के अंदर यहाँ पे हम H1 टैग में लिखेंगे, क्या लिखने का है, लैंड यूज डिक्लेरेशन फॉर्म. लैंड यूज डिक्लेरेशन फॉर्म. ओके, तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये टाइटल यहाँ पे आ गया, लेकिन अभी मुझे इसको सेंटर में लेके आने का है. तो सेंटर में लेने के लिए आने के लिए मेरे पास CSS में टेक्स्ट अलाइन सेंटर प्रॉपर्टी है, लेकिन जैसे कि मैंने स्टार्टिंग ऑफ द वीडियो में मैंने कहा कि हम CSS नहीं यूज करने वाले, हम प्योर Bootstrap यूज करेंगे और यहाँ पे हम अचीव करेंगे. तो Bootstrap में वो अचीव करने के लिए आपको सारे के सारे क्लासेस ऐड करने के नेसेसरी. तो यहाँ पे H1 टैग के अंदर यहाँ पे एज ए क्लास के अंदर मुझे टेक्स्ट सेंटर करके क्लास आता है Bootstrap का, जिसकी मदद से आप टाइटल को सेंटर में ला सकते हो. एज यू कैन सी ऑन द स्क्रीन यहाँ पे टाइटल सेंटर में आ गया, राइट. तो यहाँ पे अभी हम क्या करेंगे, हमारा फॉर्म का एक्चुअल लेआउट स्टार्ट करेंगे. उससे भी पहले अगर यहाँ पे मैं ये सेक्शन को इनलाइन स्टाइलिंग करता हूँ, और इसको मैंने अगर बॉर्डर लगाया, बॉर्डर 1 pixel सॉलिड. ओके, तो अब देखते हैं ये बॉर्डर कहाँ पे आ रहा है. एज यू कैन सी ये बॉर्डर यहाँ पे आ रहा है, मतलब क्या एकदम पेज के एंड टू एंड में ये बॉर्डर आ रहा है. लेकिन अगर मेरा रिक्वायरमेंट ऐसा रहा कि मुझे जो भी फॉर्म है वो एकदम सेंटर में दिखना चाहिए, एंड वो पूरा स्पेस ना ले, एक स्पेसिफिक विड्थ के ऊपर ही वो आना चाहिए, तो उसके लिए अब हम CSS से कर रहे हो गए, तो हमें वो ये फॉर्म सेक्शन को मुझे स्टाइलिंग में विड्थ हाइट देना पड़ेगा, राइट. सो Bootstrap में सेम चीज अचीव करने के लिए यहाँ पे क्लास ऐड करना पड़ेगा आपको, क्लास कंटेनर. सो व्हाट इज दिस कंटेनर क्लास, ये एक Bootstrap का क्लास है. ये क्या करेगा, हर एक ब्रेक पॉइंट के लिए एक स्पेसिफिक विड्थ वो उसकी खुद की डिसाइड होती है. फॉर एग्जांपल अभी मैं फुल स्क्रीन के ऊपर हूँ, तो ये जो कंटेनर क्लास यहाँ पे दिख रहा है, यहाँ पे आप देख सकते हो ये कंटेनर क्लास का अभी मैक्सिमम विड्थ क्या है, 1320. जैसे ही मैं स्क्रीन छोटा छोटा करूंगा तो इसका ये ऑटोमेटिकली ये क्लासेस अप्लाई होते जाएंगे. मैक्स विड्थ अभी इसका 1440 है, राइट. तो
अभी और छोटा करूंगा मैं, तो एज यू कैन सी इसका मैक्सिमम विड्थ 720 पिक्सल है, राइट। तो ये अगर पूरा स्क्रीन का साइज 900 पिक्सल है तो हमारा फॉर्म जो होगा वो 720 पिक्सल मैक्स टू मैक्स विड्थ लेगा और वो सेंटर में रहेगा कभी। ओके, सो दिस इज नथिंग बट अ कंटेनर क्लास। ओके, सो अभी तक हमने दो बूटस्ट्रैप के प्रॉपर्टीज सीखे, कंटेनर एंड टेक्स्ट सेंटर। ओके, सो नाउ वी विल मूव टू द नेक्स्ट थिंग। अभी यहाँ पे मुझे प्रॉपर्टी ओनर करके एक सेक्शन है, उसके अंदर फर्स्ट नेम एंड लास्ट नेम ये दोनों इनपुट फील्ड लाने गए, राइट। तो उसके लिए अभी यहाँ पे सिंपली मैं क्या करूँगा, एक H5 करके क्लास लूंगा। ओके, और यहाँ पे लिखूंगा प्रॉपर्टी ओनर। ओके, प्रॉपर्टी ओनर। अभी यहाँ पे प्रॉपर्टी ओनर के नीचे अभी मुझे दो इनपुट फील्ड चाहिए एंड वो मुझे सिंगल रो में चाहिए, मतलब क्या एक ही लाइन में वो दोनों इनपुट फील्ड दिखने चाहिए। सो इफ आई एम यूजिंग CSS तो मुझे डिस्प्ले फ्लेक्स, अलाइन आइटम सेंटर, जस्टिफाई कंटेंट सेंटर, ओके, और बाद में हर एक फील्ड को विड्थ 50% देना पड़ेगा क्योंकि वो हाफ द स्क्रीन विड्थ ले। तो विद द बूटस्ट्रैप यू कैन सिंपली अचीव दिस। ओके, विद सिर्फ दो प्रॉपर्टीज आपको ऐड करने के, सबसे पहले हम इनपुट फील्ड लेके आएंगे हमारे स्क्रीन के ऊपर। तो उसके लिए यहाँ पे फॉर्म कंट्रोल सेक्शन में जाऊंगा मैं और यहाँ पे ये दोनों ये ईमेल एड्रेस का जो चीज है वो मैं यहाँ पे कॉपी करूंगा एंड यहाँ पे पेस्ट करूंगा। ओके, एंड और एक बार पेस्ट करूंगा क्योंकि मुझे दो फील्ड्स एक ही लाइन में चाहिए। ओके, सो डू यू थिंक वी हैव अचीव्ड आवर टास्क, लेट्स सी ऑन द स्क्रीन। यहाँ पे अभी आप देख सकते हो ये जो दोनों ईमेल एड्रेस फील्ड है ये पूरा का पूरा वेट ले रहे हैं मेरे कंटेनर का, लेकिन मेरा नेसेसरी क्या है कि वो एक ही लाइन में आ जाए, राइट। तो अभी इस चीज को अचीव करने के लिए हमारे पास एक रो करके क्लास है बूटस्ट्रैप का। ओके, यहाँ पे एज यू कैन सी यहाँ पे, तो ये रो क्लास क्या करेगा, यहाँ पे ये रो क्लास दोनों चीज को एक ही लाइन में लेके आएगा साइड बाय साइड। ओके, तो यहाँ पे ये दोनों दो इनपुट फील्ड है उसको उनको मैं कॉपी करूंगा एंड उनको एक ड्यू सेक्शन में लूंगा और इसके अंदर पेस्ट करूंगा और ये जो कंटेनर है ड्यू इसको मैं क्लास दूंगा रो। ओके, सो डू यू थिंक वी हैव अचीव्ड, लेट्स सी। स्टिल जो है वो प्रॉपर्टीज अप्लाई नहीं हुए, वो क्यों नहीं हुए, रो जो है वो उसके बूटस्ट्रैप के प्रॉपर्टीज अप्लाई हुए हैं, तो वो चेक करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, बॉडी सेक्शन में जाके यहाँ पे सेक्शन कंटेनर के अंदर यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे CSS में डॉट रो जो बूटस्ट्रैप का क्लास है वो क्या क्या इंटरनल CSS उसके अंदर है। तो उसके अंदर रो के अंदर डिस्प्ले फ्लेक्स है, फ्लेक्स रैप रैप है, मार्जिन टॉप देगा वो बाय डिफॉल्ट ये जो जितना मेंशन किया है, बाद में मार्जिन लेफ्ट प्रॉपर्टी लेके आएगा, तो भी हमारा जो टास्क है वो अचीव नहीं हुआ, ऐसा क्यों। तो अगर आप यहाँ पे देखते हो इसके चिल्ड्रंस, तो यहाँ पे ये जो ड्यू है तो यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि ये जो विड्थ है वो 100% ले रहा है, मतलब क्या एक एक सिंगल जो चाइल्ड है वो 100% विड्थ ले रहा है, मतलब कंटेनर की विड्थ ले रहा है। लेकिन मुझे ऐसा चाहिए क्या, नहीं, मुझे क्या चाहिए वो हाफ ऑफ दोनों जो चिल्ड्रंस है वो हाफ ऑफ विड्थ ले, राइट। तो उसके लिए हमको सिंपली यहाँ पे कॉल करके क्लास है वो ऐड करने का दोनों चाइल्ड्स को, कॉल कॉल। तो ये क्या करेगा कि ये जो रो है ये अगर 100% विड्थ ले रहा है तो ये जो चाइल्ड है जिसको हमने कॉल करके क्लास दिया है वो 50% विड्थ लेगा और ये 50% लेगा। अभी हम स्क्रीन के ऊपर देखते हैं व्हाट वी हैव अचीव्ड। एज यू कैन सी यहाँ पे ये दोनों जो फील्ड्स है वो साइड बाय साइड आ गए, राइट मेरे। अभी मुझे ये लेबल्स नहीं चाहिए ईमेल एड्रेस के, तो मैं सिंपली यहाँ पे ये जो लेबल है ये दोनों में से हटा दूंगा। नाउ एज यू कैन सी वी हैव अचीव्ड आवर फर्स्ट थिंग, दैट इज प्रॉपर्टी ओनर के नीचे फर्स्ट नेम एंड लास्ट नेम। ओके,
अब मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा ये रो क्लास और ये कॉल क्या है, एक्चुअल में क्या है। तो बाय डिफॉल्ट हमारा जो कंटेनर होता है वो कभी भी 12 कॉलम्स में डिवाइड होता है, 12 वर्टिकल कॉलम्स में। ओके, सो इफ आई इलस्ट्रेट ऑन द स्क्रीन, हमारा जो ये टोटल स्क्रीन है, ओके, ये जो बॉर्डर, ये जो बीच वाला कंटेनर है, ये 12 कॉलम्स में डिवाइड है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। ओके, अभी ये जो कॉल है ये इंटरनली क्या होता है, ये कॉल और ये कॉल, ये कॉल क्या बोलता है, इसको 6 कॉलम दे, ये जो चिल्ड्रन है ये 6 कॉलम लेगा वो 12 कॉलम में से, और ये 6 कॉलम लेगा। ओके, तो टोटल मिला के कितने हो गए, 12। तो इस तरह से अगर मैंने और एक यहाँ पे कॉपी किया और पेस्ट किया तो ये हर एक जो चिल्ड्रन होगा वो 1/3 पार्ट लेगा। ओके, तो अभी हम देखेंगे स्क्रीन के ऊपर, तो ये जो हमारा टोटल 12 कॉलम का स्क्रीन था वो 3 पार्ट्स में डिवाइड हो गया और हर एक जो छोटा पार्ट है वो 1/3 है ऑफ द टोटल। ओके, एंड एज यू कैन सी देयर इज ए लिटिल बिट स्पेस विच इज बीइंग एडेड, ओके, बिटवीन। तो ये क्या है, ये बूटस्ट्रैप में, बूटस्ट्रैप में का रो क्लास जो होता है वो अपने अंदर ही अंदर एक गटर नाम का ये होता है, क्या बोलते हैं, एट्रीब्यूट होता है, वो लेके आता है। तो वो गटर नाम का एट्रीब्यूट क्या होता है, अगर उसको मैं G0 करूँ, मतलब क्या, गटर 0, तो वो क्या करेगा, सारे के सारे जो चिल्ड्रन से उनको बहुत ही क्लोज लेके आएगा, तो उनके बीच में स्पेस नहीं होगा। एज यू कैन सी अभी इन सब में स्पेस नहीं है, बिल्कुल स्पेस नहीं है, लेकिन हमारा एक्चुअल जब भी रिक्वायरमेंट होता है तो हमको स्पेस चाहिए होता है, तो उसके लिए उन्होंने प्रॉपर्टी इस तरह से बनाया कि वो बाय डिफॉल्ट कुछ स्पेस ले गए। अगर आपको वो स्पेस को अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट करने का है तो आप कर सकते हो। फॉर एग्जांपल G1 देखिए, थोड़ा स्पेस आएगा, एज यू कैन सी लिटिल बिट स्पेस इज बीइंग एडेड। अगर आपको और स्पेस चाहिए तो आप G2 कर सकते हो। ओके, एंड अभी ये जो नंबर है, कभी भी बूटस्ट्रैप में ये जो नंबर होता है, यहाँ पे मैं दे रहा हूँ, यहाँ पे ये MB3, मतलब क्या, मार्जिन बॉटम 3। ओके, तो ये जो नंबर है इसका मैक्सिमम वैल्यू 5 होता है, उसके आगे नहीं होता, राइट। अगर आपको उसके आगे और मार्जिन बढ़ाने का है तो आपको उसके लिए सेपरेटली CSS स्टाइल करना पड़ेगा उस पर्टिकुलर एलिमेंट के लिए, राइट। तो अभी यहाँ पे मैं यहाँ पे G2 निकाल देता हूँ। ओके, वी आर सेटिस्फाइड विद द स्पेस विच इज गिवन बाय डिफॉल्ट बाय द रो क्लास। तो यहाँ पे कुछ इस तरह से। ओके, नाउ वी विल मूव टू द प्रॉपर्टी एड्रेस सेक्शन। तो अभी ये प्रॉपर्टी एड्रेस सेक्शन जो है उसको मैं लेके आऊंगा। तो अभी ये जो रो क्लास है इसको मैं बंद करूंगा और यहाँ पे फिर से कॉपी पेस्ट करूंगा और यहाँ पे मैं टाइटल क्या लिखने वाला हूँ, प्रॉपर्टी एड्रेस। ओके, प्रॉपर्टी एड्रेस। ओके, नाउ ये प्रॉपर्टी एड्रेस क्लास के अंदर अभी मुझे ये लेआउट बनाने का है कि जिसमें 3 फील्ड्स हो। जो फर्स्ट फील्ड है स्ट्रीट एड्रेस, वो जितना कंटेनर का स्पेस है उतना पूरा का पूरा स्पेस ले। बाद में उसके नीचे जो 2 फील्ड्स हो वो फिर से 50-50% बिट लें। तो ये लेआउट बनाने के लिए सिंपली मैं क्या करूँगा, यहाँ पे ये एक जो चिल्ड्रन है उनको कॉपी करूँगा यहाँ पे और यहाँ पे कुछ इस तरह से पेस्ट करूँगा। ओके, और यहाँ से सिंपली ये कॉल हटा दूंगा। ओके, सिंपल। ओके, सो नाउ व्हाट विल सी इज अभी कुछ मुझे इस तरह से यहाँ पे प्रॉपर्टी ओनर और प्रॉपर्टी एड्रेस ये दिख रहा है और यहाँ पे ये जो फील्ड है ये पूरा का पूरा वेट ले रही है क्योंकि इसको मैंने रो क्लास के अंदर ब्रैप नहीं किया, नाइदर मैंने कुछ उसको कॉल या फिर कुछ अलग से प्रॉपर्टीज नहीं लगाए। ओके, तो यहाँ पे ये बाय डिफॉल्ट पूरा का पूरा जो 12 कॉलम्स का जो स्पेस होगा वो खुद लेगा, राइट। अभी लेकिन ये जो नीचे सिटी एंड पोस्टल जिप कोड ये फील्ड्स है इनको मुझे 50-50 बिट देने का है। तो अगेन मुझे क्या करना पड़ेगा, ये जो रो क्लास है इसको मैं एज इट इज कॉपी करूंगा और यहाँ पे नीचे मैं पेस्ट करूंगा। ओके, तो अभी हम देखते हैं इसका आउटपुट।
अभी हम आउटपुट देखते हैं तो हमें दिखेगा यहाँ पे ये जो दोनों कॉलम्स है तो ये 50-50 बिट ले रहा है और बीच में ये इक्वल स्पेस थोड़ा छोड़ रहा है, राइट? तो दिस इज व्हाट वी वांट, ओके? सो नाउ बाद में हम देखते हैं यहाँ पे और एक चीज डिस्कस करने का है यहाँ पे, जो कि है ये MB3 क्या है। MB3 मतलब क्या, जैसे कि मैंने बोला भी MB3 मतलब मार्जिन बॉटम 3। तो ये जो चीज है अगर आप देख सकते हो हर एक फील्ड के नीचे ये एक स्पेस छोड़ रहा है तो ये मार्जिन बॉटम 3, ओके? तो अगर मैं इसको मार्जिन बॉटम 0 कर देता हूं, ओके, तो यहां पे आप देख सकते हो इन दोनों फील्ड्स के बीच में कुछ भी स्पेस नहीं है। तो ये बूटस्ट्रैप के प्रॉपर्टीज है MB3 इस MB2 ऐसे करके आप अपने हिसाब से मार्जिन एडजस्ट कर सकते हो, ओके? नाउ वी विल ऐड दिस थिंग, व्हाट इज द प्रॉपर्टी यूज फॉर रूरल पर्पस, ओके? तो उस चीज के लिए ये फिर से मैं हेडिंग कॉपी करूंगा यहाँ पे और यहाँ पे मैं पेस्ट करूंगा नीचे, इज द प्रॉपर्टी यूज फॉर रूरल पर्पस, ओके? एंड उसके नीचे मुझे दो रेडियो बटन चाहिए, ओके? और वो एक के नीचे एक हो, राइट? तो उसके लिए बूटस्ट्रैप में आपको जो भी एलिमेंट चाहिए वो आप यहाँ पे सर्च कर सकते हो इन दिस सर्च बॉक्स। तो यहाँ पे रेडियो बटन चाहिए मुझे, तो यहाँ पे आपको दिखेंगे ये रेडियो बटन, दिस इज व्हाट वी वांट, ओके? सो नाउ यस वी कैन कॉपी दिस थिंग रेडियो बटन्स वाला, इसको हम एज इट इज कॉपी करेंगे और यहाँ पे पेस्ट करेंगे, ओके? नाउ वी विल सी व्हाट वी हैव गॉट ऑन द स्क्रीन। एज यू कैन सी हमें ये रेडियो बटन्स मिले यहाँ पे कुछ इस तरह से, ओके? सो यहाँ पे इस तरह से आप चीजें ऐड कर सकते हो आपके हिसाब से। नाउ अभी हम लेआउटिंग की तरफ जाएंगे कि यहाँ पे बूटस्ट्रैप में रिस्पॉन्सिव लेआउट कैसे बनाते, ओके? तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, सिंपली ये जो नीचे वाला पार्ट है इसको मैं निकालूंगा यहाँ से फॉर कीपिंग इट सिंपल। यहाँ पे ये चीजें मैं निकालूंगा, ओके? एंड ये जो टाइटल्स है इनको भी मैं निकालूंगा, ओके? सो नाउ ऑन द स्क्रीन वी हैव गॉट दिस टू थिंग्स, ओके? अभी मेरा रिक्वायरमेंट ऐसा हो सकता है कि जब हमारा स्क्रीन मीडियम स्क्रीन हो, ओके? जब हमारा स्क्रीन मीडियम स्क्रीन हो तब ये जो दोनों फील्ड्स है ये एक के ऊपर एक ओवरलैप हो, या फिर जब हमारा स्क्रीन स्मॉल स्क्रीन हो तब ये जो दोनों फील्ड्स है ये साइड बाय साइड ना हो के ये एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप हो। तो उस चीज के लिए अचीव करने के लिए हमको यहाँ पे इसका रिस्पॉन्सिव स्ट्रक्चर समझना पड़ेगा। उसके लिए यहाँ पे मीडिया ये ब्रेक पॉइंट्स यहाँ पे समझने पड़ेंगे, ये जो लेआउट के अंदर ब्रेक पॉइंट वाला सेक्शन है इसको समझना पड़ेगा, ओके? तो यहाँ पे ये जो टेबल है ये क्या बताता है कि वेरियस ब्रेक पॉइंट्स बताता है, मतलब क्या कि हमारा स्क्रीन मेनली ये 6 सेक्शन में डिवाइड होता है, एक्स्ट्रा स्मॉल स्क्रीन मीडियम स्क्रीन लार्ज स्क्रीन एक्स्ट्रा लार्ज स्क्रीन एंड एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा लार्ज स्क्रीन, ओके? तो यहाँ पे ये जो एक्स्ट्रा स्मॉल स्क्रीन होता है वो कौन से रेंज में होता है, तो लेस देन 576 पिक्सल अगर हमारा स्क्रीन का साइज होगा, मतलब हमारा मोबाइल जनरली एक्स्ट्रा स्मॉल स्क्रीन होता है उसका, तो उस स्क्रीन साइज को हम एक्स्ट्रा सब्सक्राइब बोले एक्स्ट्रा स्मॉल स्क्रीन साइज बोलेंगे, एक्स्ट्रा स्मॉल स्क्रीन साइज।
एंड उसका डायमेंशन होगा लेस देन 576 पिक्सल। अगर स्मॉल स्क्रीन है तो उसको बूटस्ट्रैप में SM करके डिनोट करते हैं स्मॉल स्क्रीन को, एंड स्मॉल स्क्रीन्स आर द स्क्रीन्स विच आर ग्रेटर देन 576 पिक्सल एंड लेस देन 768 पिक्सल। ओके, यहाँ पे बाद में जो मीडियम स्क्रीन होते हैं उसको हम MD से डिनोट करते हैं, एंड मीडियम स्क्रीन स्टार्ट्स फ्रॉम ग्रेटर देन 768 पिक्सल एंड लेस देन 992 पिक्सल। तो ये टेबल का स्ट्रक्चर एज इट इज फॉलो करना चाहिए हम लोग को। तो मीडियम स्क्रीन क्या होता है, ये जो ग्रेटर देन सिंबल है इसका मतलब क्या कि ग्रेटर देन 768 पिक्सल एंड लेस देन इट्स नेक्स्ट दैट इज लार्ज स्क्रीन दैट इज 992 पिक्सल। ओके, तो इसको समझने के लिए हम क्या करेंगे, अभी हमें लेआउट क्या चाहिए, ऑन मोबाइल स्क्रीन हमको एक के ऊपर एक ये ओवरलैप होनी चाहिए, स्टैक होना चाहिए, राइट। तो उस चीज को अचीव करने के लिए यहाँ पे जो मैंने कॉल दिया था उनको मैं क्या करूँगा, कॉल 12 करूंगा, क्योंकि मैंने पहले भी बताया कि हमारा जो स्क्रीन होता है एक कंटेनर का कंटेनर वो 12 कॉलम्स में डिवाइड होता है, राइट। तो हम यहाँ पे डिफाइन करते वक्त ये स्पेसिफिक चिल्ड्रन को क्या डिफाइन कर रहे हैं, कॉल 12, मतलब क्या कि कॉल 12 अभी क्या करेगा, हर एक स्क्रीन साइज पे उसको 12 कॉलम स्पेस देगा। तो अभी आप लेआउट पे ऊपर देखते हो तो ये ऑलरेडी स्टैक्ड है, राइट, एक के ऊपर एक हर एक स्क्रीन साइज के ऊपर। लेकिन मुझे क्या चाहिए, सिर्फ एक्स्ट्रा स्मॉल स्क्रीन साइज हो तब मुझे 12 कॉलम चाहिए, बाकी सब स्क्रीन साइज के ऊपर मुझे वो 6-6 कॉलम्स में चाहिए। तो उसके लिए अभी मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे मुझे लिखना पड़ेगा कॉल एक्स्ट्रा स्मॉल स्क्रीन साइज के लिए XX, यहाँ पे लिखना पड़ेगा 6। ओके, एंड एज इट इज मैं यहाँ पे कॉपी करूंगा एंड यहाँ पे पेस्ट करूंगा। ओके, अब ये क्या करेगा, ये जो एक्स्ट्रा एक्सेस करके प्रॉपर्टी है ये 6, इसका मतलब ये है कि एक्स्ट्रा स्मॉल स्क्रीन साइज एंड इसके ऊपर जितने भी स्क्रीन साइज है उसके ऊपर ये 6 कॉलम स्पेस लेगा। ऐसा रिलेशन होता है कि एक्स्ट्रा स्मॉल साइज और उसके ऊपर जितने भी स्क्रीन साइज हो उसमें ये 6 कॉलम लेगा और बाकी सब स्क्रीन साइज पे ये 12 कॉलम लेगा। बाकी सब स्क्रीन साइज मतलब क्या, एक्स्ट्रा स्मॉल के नीचे वाले। ओके, तो अभी हम देखते हैं हमारा लेआउट, ये इसने 12 कॉलम्स लिए एक्स्ट्रा स्मॉल स्क्रीन साइज और उसके ऊपर, और जैसे हम एक्स्ट्रा स्मॉल मतलब क्या, उसका ब्रेक पॉइंट क्या है, लेस देन 576। अभी हम लेस देन 576 जाएंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप हो गए, और जैसे मैं यहाँ पे 576 क्रॉस करता हूँ यहाँ पे, ओके देर इज सम प्रॉब्लम, ओके व्हाट वी वांट इज यहाँ पे ये ओके ओके एक्स्ट्रा स्मॉल स्क्रीन साइज को देने के लिए यहाँ पे कुछ बूटस्ट्रैप में क्लास नहीं है, तो इसको हम ऐसा कर सकते हैं कि ये 12 होगा, कॉल 12 ये बराबर है, और इसके ऊपर कॉल SM6 ओके ये होगा। मतलब क्या कि SM6 तो स्मॉल स्क्रीन एंड उसके ऊपर जितने भी स्क्रीन साइज हो उसके ऊपर ये 6-6 कॉलम्स लेगा साइड बाय साइड, एंड उसके नीचे मतलब क्या कि स्मॉल स्क्रीन के नीचे मोबाइल टैबलेट व्यू में ये 12-12 कॉलम्स लेगा। अभी हम देखते हैं, एज यू कैन सी ये साइड बाय साइड आ गए, और जैसे मैं स्मॉल स्क्रीन के ऊपर जाऊंगा तो यहाँ पे ये स्टैक हो जाएगा। ओके, कुछ इस तरह से यहाँ पे, तो यहाँ पे भी हम रिलेशन देख सकते हैं। अभी यहाँ पे स्मॉल स्क्रीन साइज मतलब क्या कि ग्रेटर देन 576 पिक्सल, तो ग्रेटर देन 576 पिक्सल इसके ऊपर क्या बिहेवियर होना चाहिए, ये 6-6 कॉलम्स लेगा
ग्रेटर देन 576 पिक्सल एंड लेस देन 576 पिक्सल मतलब क्या, ये एक्स्ट्रा स्मॉल स्क्रीन साइज और उसके ऊपर ये 12 कॉलम्स लेगा। कुछ इस तरह से हम लेआउट डिज़ाइन कर सकते हैं हमारा। तो अगर मैं यहाँ पे और एक यहाँ पे कॉपी कर देता हूँ, ओके, तो कभी भी याद रखना इनका जो समेशन होगा, जितने भी चिल्ड्रन सब है उनका जो समेशन होगा वो टोटल 12 होना चाहिए, ओके, क्योंकि ये जो रो है इसका बाय डिफॉल्ट ये 12 कॉलम्स होते हैं, तो इसके अंदर जो चिल्ड्रंस है उनका समेशन कभी भी 12 होना चाहिए चिल्ड्रंस का, ओके। तो अभी यहाँ पे क्या हो रहा है, ये एस एम पे 6 है, ये भी 6 है और ये भी 6 है, लेकिन टोटल कितना हो रहा है, 18 हो रहा है, ओके, तो ये नहीं चलेगा। तो उसके लिए अभी मुझे क्या करना पड़ेगा कि इसको 4 करना पड़ेगा, इसको भी 4 करना पड़ेगा एंड इस चीज़ को भी 4 करना पड़ेगा। तो ये क्या होगा, अभी 4 + 4 + 4 12 होगा एंड स्मॉल स्क्रीन साइज और उसके ऊपर ये एक लाइन में होंगे, और जैसे ही स्मॉल स्क्रीन आएगा ये जैसे ही 576 पिक्सल के नीचे आएंगे हम, ये एक दूसरे के ऊपर स्टैक होगा। सो दिस इज हाउ वी क्रिएट रिस्पॉन्सिव लेआउट विद द हेल्प ऑफ बूटस्ट्रैप, ओके। सो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो डू लाइक एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल फॉर मोर सच वीडियोज़। थैंक यू।